SRM टुडे शहर की आवाज। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा द्वारा आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बीती 25 अप्रैल को समाज की लड़की के लापता होने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बावजूद पता नहीं लगने पर जांच कर पता लगाने की मांग की गई है। बीती 25 अप्रैल से ब्राह्मण समाज की एक लड़की लापता है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाने के बावजूद अभी तक पुलिस द्वारा लड़की का कोई पता नहीं लगाया जा सका है। इसी को लेकर आज अखिल भारतीय जांगीर महासभा द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट को अपहरण में बदलकर जल्द से जल्द लड़की का पता लगाने की मांग की गई है। हाँ यार, यहाँ अपने फोटो इस संबंध में समाजजनों व लड़की के परिजनों ने बताया कि शहर में लड़कियों की गुमशुदगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों से ही इनके समाज की लड़की भी लापता है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं लगाया जा सका है। इस मामले में चुन्नू लाला के द्वारा इस वारदात को अंजाम देना बताया जा रहा है। किस बात को लेकर यहाँ आप लोग आए? हमारे परिवार की मेरी भतीजी 25 तारीख से लापता है, उसकी कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस विषय में एसपी साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं। कौन ले गया, कुछ आइडिया है? अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। बात को लेकर यहाँ पुलिस अधीक्षक से मिलने आए थे और क्या कहना? अभी हमारे समाज से मंदसौर लक्कड़पीठा से एक लड़की का गुमशुदा हुई है, उसी का हम ज्ञापन दें, क्योंकि अभी तक पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। उसी का हम एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, समाज के लोग उनका ध्यान आकर्षित करवाने के लिए कि भाई इस केस को जैसे भी हो जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। किस पे शंका आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम किस पे शंका है और किस पे कुशंका है, क्योंकि मैं इंदौर रहता हूँ, यहाँ का निवासी नहीं हूँ। अब ये तो शंका किस पे, ये तो पुलिस देखे और उनके परिवार के लोग देखे। क्या नाम है आपका? हाँ जी, किन बातों को लेकर यहाँ पर अधीक्षक साहब से मिलने आए थे, क्या मांगे हैं? विगत दिनों मंदसौर की एक बिटिया लक्कड़पीठा क्षेत्र से परिवार के अनुसार गुमशुदगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस पूरे विषय को अध्ययन करने के बाद लगता है कि उसका अपहरण हुआ है मंदसौर से, उसको बरगलाकर ले जाने का काम हुआ है। आज उस घटना को लेकर सारे समाज के प्रतिनिधियों के साथ हम सब ने मिलकर एसपी से निवेदन करने आए हैं कि जिसकी गुमशुदगी लिखाई है उसको अपहरण के केस में बदला जाए और बिटिया को जल्द से जल्द लाने का काम किया जाए। आचार संहिता का हवाला देकर समाज को संतुष्ट न किया जाए। लगातार मंदसौर जिले में जो बेटियाँ जा रही हैं वो षड्यंत्रपूर्वक लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, और जो मंदसौर की बिटिया गई है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं अपहरण का हमको शंका है, और ये लगता है कि किसी मंदसौर के व्यक्ति ने, जो मंदसौर का सीटर है ऐसा लगता है, और वो उसको भेला फुसला कर ले गया है। और हम लोग एसपी साहब से आज मांग करने सारे समाज के साथ आए हैं कि जल्दी से जल्दी बिटिया का सर्च किया जाए, और जो
गुमशुदगी लिखी है उसको अपहरण के केस में बदला जाए। क्या लगता है कौन है मंसूर का? क्या मंसूर का अपराधी जो लगातार परिवार की तरफ से संकेत मिल रहे थे, चुन्नू लाला करके नाम मंसूर में बताया जा रहा है कि लगातार अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ है और उसी के माध्यम से बिटिया यहाँ से गायब हुई है। चूँकि पहले परिवार की जानकारी में नहीं थी कि वो कहीं कोई ले गया होगा, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे जानकारियां इकट्ठी हुई हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अपहरण की हमको शंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसआरएम टुडे, मंदसौर। एसआरएम टुडे, शहर की आवाज़।